अकाउंटिंग में आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज के जो क्लासेस में हम लोग टॉपिक सीखेंगे वो है बजट सिनेरियो मैनेजमेंट। बजट सिनेरियो मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें दो अलग अलग कैटेगरी होता है। जैसे एक होता है जिसमें हम लोग बजट वगैरह क्रिएट करते हैं, मतलब अपनी कंपनी में कौन सा एसेट्स या कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी तरह का कोई भी जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, हम लोग इतना का बजट बना रहे हैं, इतना का बजट में हम लोग को सब कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी पार्टी से आप कुछ सेल कर रहे हैं, उस पार्टी का अगर एक लिमिट सेट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो पार्टी सही तौर से पेमेंट नहीं करता है आपको, टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करता है और उसका पेमेंट रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उस पार्टी को एक लिमिट के हिसाब से ही माल सेल करेंगे, ताकि जैसे ही हम लोग उससे ही ज़्यादा का माल सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को अलर्ट कर देगा। तो इसके लिए फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली को स्टार्ट करके जैसे ही टैली स्टार्ट हो जाता है, टैली स्टार्ट करने के बाद हम लोग फर्स्ट एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, एक फ्रेश कंपनी यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। सपोज इसका नेम दे दिया, कोई भी नेम दे देते हैं, कंपनी क्रिएट हो गया। आफ्टर क्रिएट कंपनी हम लोग को कुछ फीचर्स ऑन करने होंगे, तो उसके लिए फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर्स में यहाँ पे हम लोग को जाके ऑन करना होगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर से हम लोग को मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करना होगा। यस करने के बाद कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ पर्टिकुलर लेज़र बना लेते हैं, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। जैसे सपोज़ हम लोग फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं, फिक्स एसेट्स, और एडवर्टीज़मेंट बना लेते हैं, एडवर्टीज़मेंट ए बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। और सपोज़ एक सैलरी का बजट बना लेते हैं, स्टाफ सैलरी बोल के बना लेते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। इतना लेज़र क्रिएट करने के बाद अब यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके यहाँ हम लोग को दिखेगा बजट। बजट में आएंगे, बजट में आके हम लोग यहाँ पे बजट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे सपोज़ किसका बजट क्रिएट कर रहे हैं, सपोज़ स्टाफ सैलरी का बजट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसका फ्रॉम कब से कब तक, सपोज़ एक चार जैसे ही करके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2024 ईयर पकड़ लेगा। उसके बाद कब तक, 31/3/2025 तक, ठीक है। यहाँ पे आके फिर यस करना पड़ेगा हम लोग को। जैसे ही यस करेंगे अब यहाँ पे लेज़र नेम मांगेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग बना रहे हैं, स्टाफ सैलरी दे देंगे। अब ये दो ऑप्शन जो आ रहा है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ऑन नेट ट्रांजेक्शन। ऑन क्लोजिंग बैलेंस मतलब अगर आप क्लोजिंग में रखना चाहते हैं, और नेट ट्रांजेक्शन मतलब संग संग आप कैश कर देना चाहते हैं, तो दोनों में कोई भी एक चूज़ हम लोग कर सकते हैं। सपोज़ इसको ऑन नेट ट्रांजेक्शन कर दिया, अमाउंट यहाँ पूछ रहा है, सपोज़ अमाउंट हम लोग यहाँ पे 1 लाख कर दिया, ये हम लोग का स्टाफ सैलरी हो गया। उसके बाद अब दे देते हैं यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर को भी प्राइमरी में रखेंगे, फिर यहाँ पे 1/4 देकर यहाँ पे 31/3/2025 कर देंगे, और यहाँ पे फिर यस करेंगे। यस करने के बाद फिर यहाँ पे फर्नीचर देंगे, और इसको सपोज़ ऑन क्लोजिंग कर देते हैं, फर्नीचर सपोज 50,000 का कर दिया। और सबसे लास्ट में यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी प्राइमरी में होगा, यहाँ पे इसका भी 1/4 करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 31/3/2025। यहाँ पे फिर यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ पे फिर एडवर्टीजमेंट ले लेंगे, इसको भी ऑन क्लोजिंग कर देते हैं, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का सपोज 25,000 कर देते हैं। ये तो हो गया हम लोग का बजट। अब स्पेशली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम लोग क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे, उसके लिए हम लोग को फर्स्ट क्या करना होगा, यहाँ से इन्वेंट्री में आना होगा। इन्वेंट्री में आके कुछ आइटम्स वगैरह बना लेते हैं, जैसे सपोज़ हम लोग गारमेंट्स का कर रहे हैं, गारमेंट्स पे कर दिया, यहाँ पे यस कर देंगे।
एज इट इज़ जैसे पहले बनाते थे हम लोग ग्रुप आइटम वो सब सब बना लेते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम में, मल्टीपल स्टॉक आइटम। जैसे यहाँ पे अलग अलग आइटम का नेम दे देता है, शर्ट दे दिया सपोज, शर्ट ओपनिंग स्टॉक तो लेना है क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट सेल करेंगे, शर्ट टी शर्ट और एक दे दिया सपोज जीन्स। आइटम भी क्रिएट कर लिया, अब यहाँ से बैक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पे इससे पहले ना एक लेज़र और हम लोग रेडी कर लेते हैं, पार्टी का लेज़र, जिस पार्टी को हम लोग सेल करेंगे, उस पार्टी को जिस पे हम लोग लिमिट लगाना चाहते हैं। सपोज़ वो पार्टी हम लोग का अमन कुमार है, अमन कुमार हम लोग का एक पार्टी है जिसका संडी डेटर में एक लेज़र हम लोग बना लेते हैं। सेंडिडेटर में लेज़र बनाने के बाद तो अमन कुमार जो पार्टी है इसका हम लोग लिमिट सेट कर रहे हैं, तो लिमिट सेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई लिमिट बता रहा है। जैसे हम लोग इस पार्टी का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, हम लोग इसको 25,000 से ज़्यादा माल हम लोग सेल नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 25,000 सेट कर दिया। और सेट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अभी बैक करके सीधे अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोग सेल्स में एंट्री पास करना है, हम लोग को सेल्स में आएंगे, जैसे ही एंटर करेंगे अमन कुमार और यहाँ पे सारे डिटेल्स देने के बाद जब एंटर करके हम लोग इससे बाहर आते हैं, देखिए यहाँ पे उसका अमन कुमार का यहाँ पे लिमिट दिखा दिया। अभी हम लोग को यहाँ पे लेज़र में सेल्स लेना है, तो सेल्स का लेज़र हमने बनाया नहीं है, तो हम लोग कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेल्स का एक लेज़र क्रिएट कर देंगे। सेल्स का लेज़र क्रिएट करने के बाद हम लोग अब जो आइटम सेल कर रहे हैं, जैसे शर्ट सेल कर रहे हैं उसको 20 पीस, इसका रेट है 500, ठीक है। टी शर्ट सेल कर रहे हैं 20 पीस। अब उसके बाद इसका प्राइस जो है वो प्राइस ही इसका प्राइस सेट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जीन्स दे दिया, ठीक है। सपोज ये दे देते हैं 5 पीस। अभी हम लोग एंटर करके इससे जब बाहर आ जाएंगे, कोई इशू नहीं हुआ, आराम से एंट्री भी पास हो गया। नेक्स्ट टाइम जब दूसरा एंट्री अगेन हम लोग जब पास करेंगे ना अमन कुमार से, तो दूसरा एंट्री जब हम लोग पास करेंगे सेल करेंगे, सेम आइटम दे देते हैं, इस बार भी 10 पीस दे दिया, टी शर्ट जो है वो भी 10 पीस दे दिया और जीन्स जो है वो भी 10 पीस दे दिया। लेकिन एंटर करके जब हम लोग बाहर आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को स्टॉप कर दिया। वाई? बिकॉज हमने इसका जो क्रेडिट लिमिट सेट किया था वो 25,000 का था, ठीक है। बट ओवरऑल इससे पहले वाला जो एंट्री हुआ है और अभी जो एंट्री हो रहा है, मतलब इससे पहले का जो अमाउंट था और ये अमाउंट, ये दोनों अमाउंट को ऐड ऑन करने के बाद इसका जो करंट बैलेंस हो रहा है वो 35,250 रुपीज़ का हो रहा है। तो कंप्यूटर बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका एंट्री हम लोग नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि इसका हमने लिमिट सेट कर रखा है 25,000 का, जिसमें से ऑलरेडी करंट बैलेंस उसने 19,250 रुपीज़ का ऑलरेडी परचेस कर लिया है उसने। और अब ये पार्टी जो है बोल रहा है कि नहीं भैया ऐसा है कि मुझे कर दीजिए, मतलब रोने गिड़गिड़ाने लगा। तो फिर आपने कहा कि ठीक है, आपको पहले पेमेंट जो आपका लास्ट अमाउंट जो ड्यू है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर उसने वो पेमेंट क्लियर कर दिया तो अब आपको उसका लिमिट को बढ़ाना है या फिर लिमिट को हटा देना है, उसके लिए फाइनली आपको उसके लेज़र में फिर से वापस आना पड़ेगा। आने के बाद डायरेक्टली यहाँ से उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, कोई भी लेज़र को डायरेक्टली मॉडिफाई करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल दबा के एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद अब इसका लिमिट को हम लोग सपोज कर दिया 50,000, बोला चलो ठीक है इतना बोल रहे हो तो जो आपका लिमिट को हम बढ़ा देते हैं, 50,000 कर दिया। और फिर इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब जब एंटर करके हम लोग इससे बाहर आएंगे तो एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पार्टी का लिमिट सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक करके जब पार्टी का हम लोग लेज़र चेक करेंगे डिस्प्ले में जाके अकाउंटिंग बुक में, यहाँ से लेज़र में आएंगे, लेज़र में आके जब पार्टी का नेम को चेक करेंगे ना यहाँ पे, ऑल्ट एफ वन प्रेस करेंगे
ऑल्ट एफ वन प्रेस करने के बाद यहाँ पे टोटल ओवरऑल कितना उसका उससे हम लोग का काम हुआ है यहाँ पे वो दिखा दे रहा है। अभी उसका 50,000 का लिमिट है। अगर नेक्स्ट और एक एंट्री हम लोग करने जाते हैं, सपोज एक और एंट्री हम लोग कर रहे हैं, फिर एक और एंट्री हम लोग थर्ड एंट्री जो करते हैं अमन कुमार से, तो जैसे सपोज इसमें उसने बोला 50 पीस शर्ट चाहिए, सिर्फ शर्ट चाहिए, बोलेगा नहीं होगा बिकॉज़ यहाँ पे अमाउंट फिर एक्सीड हो जा रहा है। देखिए 60,250 रुपीज़ हो जा रहा है और उसका लिमिट तो 50,000 का है। तो फाइनली उसने ओवरऑल सारा क्लियर कर लिया, उसका जब क्रेडिट स्कोर अच्छा हो गया तो अब जैसे हमें लिमिट को हटा देना है, तो फिर से हम लोग लेज़र में आके कंट्रोल एंटर करेंगे और फाइनली उसके लिमिट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और एंटर करके जब यहाँ से बाहर आएंगे, अब कोई भी एंट्री पास करेंगे उसमें कुछ भी स्टॉप नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा। तो ये था हमारा पार्टी का, इस तरह से हम लोग लेज़र सेटअप कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट में जाके जब हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे तो इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे हम लोग को दिखा देगा। अब जाएँ तो आप बैक करके यहाँ से जाके उस पार्टी से जो आपको रिसीव करना है, आप यहाँ पे रिसीविंग में जाइए। रिसीविंग में जाके यहाँ से बैंक या कैश के ज़रिए अगर आप रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल एंट्री में अगर करना है तो सिंगल एंट्री के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन में यानी F12 दबाना पड़ता है और सिंगल एंट्री के लिए यहाँ पे यस करना पड़ता है। यस करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपको ये पार्टी है वो आप उससे रिसीव कर रहे हैं, बोला आपको कैश में पेमेंट करेंगे, आपको कैश में आप रिसीव कर रहे हैं, तो बोला ठीक है कितना रिसीव करना है पार्टी से, अमन कुमार से हम लोग को रिसीव करना है 60,250 रुपीज़। एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से ये देखिए लाइन से सब आ जाएगा जितना आपने किया है, देखिए 1 2 3 करके आ गया सब। ये होता है हम लोग का बिल बाय बिल का फ़ायदा, जिस बिल के मुताबिक जितना हमने उससे सेल किया यहाँ पे पूरा लाइन से आ गया ओवरऑल हमको। अभी जैसे ऐसा भी हो सकता था, ये बोलता मुझे सिर्फ अभी जो अमन कुमार है वो सिर्फ उससे हम लोग को सिर्फ फर्स्ट वाला रिसीव हो रहा है, डेट वाइज तो हमने नहीं किया ना, अगर डेट वाइज करते तो यहाँ पे डेट वाइज भी हम लोग को शो करता, लेकिन अभी ये हम लोग 1 2 3 करके आ रहा है, या रेफरेंस नंबर भी हम लोग देते तो रेफरेंस नंबर के हिसाब से शो करता, जो हम लोग रेफरेंस नंबर देते थे SB001 SB002, लेकिन अभी 1 2 3 करके आ रहा है, कोई इशू नहीं है। सपोज़ हमें ओवरऑल पूरा रिसीव करना है तो ओवरऑल हम पूरा रिसीव यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ से बैक करेंगे और जाके जब इसके बैलेंस शीट में चेक करेंगे, ऑल्ट एफ वन प्रेस करेंगे, तो अब कोई क्रेडिट उसका नहीं बचा, क्लियर हो गया ओवरऑल। और ये फंड हम लोग जाके डिस्प्ले में यहाँ से कैश फंड फ्लो में जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम लोग पार्ट पार्ट अलग अलग डेट में अगर करते और अलग अलग डेट का हम लोग रिसीव करते तो यहाँ पे मंथली वाइज भी हम लोग को दिखा देता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बजट सिनेरियो मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग बजट और साथ ही साथ क्रेडिट लिमिट सीखें। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।